दिल्ली पुलिस ने फड़े यूथ कांग्रेस प्रधान दे कातल। इस हत्याकांड के सिलसिले में स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली के सराय कालेखा एरिया से की गई। कतल दी कनेडा च रची गई सी साजिश। गुरलाल भलवान की हत्या की साजिश कनाडा में रची गई। कनाडा में गोल्डी ब्रार नाम का एक शख्स है जो पंजाब का पुराना क्रिमिनल रहा है। सिंगू बॉर्डर दे किसानी आंदोलन च कतल करन दा सी प्लान। गोल्डी ब्रार की ओर से जो इनको इंस्ट्रक्शन मिला था वो ये मिला था कि अगर हो सके तो सिंगू बॉर्डर पर ही गुरलाल भलवान की हत्या की जाए। बीती दिनी फरीदकोट च हुए यूथ कांग्रेस प्रधान गुरलाल भलवान दे कातलां नूं अज दिल्ली पुलिस वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया है। ते पुलिस वल्लों वड्डे खुलासे करदिआं दस्सिआ गया है कि इस कतल दी साजिश कनेडा च रची गई सी ते कातलां वल्लों कांग्रेस आगू दा कतल सिंगू बॉर्डर ते किसानी अंदोलन च करन दा प्लान सी ते जिथे ओह कामयाब ना हो सके जिस कारण फरीदकोट च शरेआम प्रधान दे गोलियां मार के कतल कर दिता गया। साथियों 18 फरवरी 2021 को पंजाब के फरीदकोट में एक गुरलाल भलवान नाम के शख्स की हत्या हुई थी। गुरलाल भलवान फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और वहां के जिला परिषद के सदस्य थे। एक उभरते हुए पॉलिटिशियन थे। उनकी फरीदकोट में जुबली चौक के पास अज्ञात हत्यारों ने गोलियां मार करके हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के सिलसिले में स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली के सराय कालेखा एरिया से की गई। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम गुरविंदर पाल एलियस बाऊ, एक सुखविंदर एलियस सनी ढिल्लो और तीसरा सौरभ वर्मा है। इनकी गिरफ्तारी से जो बातचीत में पता चला है हमको वो ये पता चला है कि गुरलाल भलवान की हत्या की साजिश कनाडा में रची गई। कनाडा में गोल्डी ब्रार नाम का एक शख्स है जो पंजाब का पुराना क्रिमिनल रहा है और इस समय कनाडा में सेटल्ड है। गोल्डी ब्रार ने एक और गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई जो अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है उसके साथ मिलकर के ये हत्या की साजिश रची। वजह यह थी कि गोल्डी ब्रार का एक चचेरा भाई है गुरलाल ब्रार। गुरलाल ब्रार का मर्डर पिछले साल हुआ था गैंग वॉर में, जो गोल्डी और लॉरेंस विश्नोई का गैंग है जिसको वो सोपू गैंग भी बोलते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस गैंग की वहाँ पर पंजाब राजस्थान और हरियाणा में कई गैंगों से आपस में इनके विवाद चल रहे हैं, तो उसी विवाद के चलते गुरलाल ब्रार की हत्या हुई थी। तो गुरलाल ब्रार की हत्या का बदला लेना ज़रूरी था और उस बदले की कार्रवाई में गुरलाल भलवान की हत्या करी गई। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इसमें गुरविंदर पाल जो है ये गोल्डी और गुरलाल ब्रार जो मृतक है इन दोनों के रिश्ते में बहनोई लगते हैं, तो इनके थ्रू ये साजिश रची गई। और ये जो दो साथी अभियुक्त इनके पकड़े गए हैं सुखविंदर और सौरभ, ये दोनों वो अभियुक्त हैं लॉरेंस विश्नोई गैंग के वो मेंबर हैं जो हत्या के समय हत्यारों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके लेकर के गए थे और हत्या करने के बाद जिन्होंने गोलियां चलाई थी उनको अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके फरीदकोट से बाहर निकाल के ले गए थे। इसमें एक चीज़ जो अब तक की बातचीत में और सामने आई है वो ये है कि गुरलाल भलवान की हत्या की जो तैयारियाँ थी वो बहुत दिन पहले से हो रही थी और 5 फरवरी को गुरलाल भलवान ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि वो ये जो किसान प्रोटेस्ट चल रही है यहाँ पर उसमें शामिल होने के लिए वो सिंघू और उसके बाद जंतर मंतर जाएंगे, क्योंकि उस दिन कांग्रेस पार्टी ने संसद घेराव की एक कॉल दी थी। तो जब गुरलाल भलवान फरीदकोट से सिंघू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से आगे जंतर मंतर पहुँचे तो ये जो हत्यारे हैं ये उनको उस समय पीछा कर रहे थे। गोल्डी ब्रार
की ओर से जो इनको इंस्ट्रक्शन मिला था वो ये मिला था कि अगर हो सके तो सिंघू बॉर्डर पर ही गुरलाल भलवान की हत्या की जाए। तो वो एक बहुत सीरियस बात है, अगर ईश्वर की कृपा है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया, पुलिस का इंतजाम बहुत ज़्यादा था सिंघू बॉर्डर पर भी और उसके बाद जंतर मंतर पर भी, जिस वजह से ये हत्यारे अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे सके। वरना इनका प्लान था 9 तारीख को सिंघू बॉर्डर पर ही गुरलाल भलवान की हत्या करना, जिससे कि बहुत क्राइसिस हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर एक भीषण रूप से बिगड़ जाता। और उसके बाद जंतर मंतर तक उनका पीछा किया है, उनकी फ़ोटो और वीडियो बनाई है इन लोगों ने जिनको हमने पकड़ा है, लेकिन वहाँ पर भी ये वारदात को अंजाम नहीं दे सके क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है बहुत पुख्ता और बहुत सख्त थे। यहाँ से वापस जाने के बाद दोबारा इन्होंने अपनी रेकी शुरू करी और फिर अंततः गुरलाल भगवान को 18 फरवरी को फरीदकोट में ही इन्होंने अपनी गोलियों से निशाना बना लिया। तो इसमें ये तीन अभियुक्त पकड़े गए हैं, बाकी अभियुक्तों की कुछ पहचान हो गई है, उसके लिए टीम दबिश दे रही है, पंजाब पुलिस को हमने इतला दे दी है और उनकी टीम भी जल्दी ही आकर के इस इन्वेस्टिगेशन में हमको ज्वाइन कर लेगी। थैंक यू। जिन्होंने गोली मारी वो नहीं पकड़े गए? जिन्होंने गोली मारी वो बेसिकली ये जो दो लड़के पकड़े गए हैं ये मेन क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि फरीदकोट में मर्डर करके बाहर भी निकलना था तो इसलिए इनको मोटरसाइकिल पर बैठा दिया गया। और जो दूसरे शूटर हैं वो लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है संदीप पैलियस काला जथेड़ी, जो अभी फरार चल रहा है, जिसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम है। तो वो उसके द्वारा भेजे गए लड़के थे जो गुरविंदर को आके मिले थे, और उन गुरविंदर ने ये कहा था कि ये जो दोनों पकड़े गए हैं तुम लोग मोटरसाइकिल चलाओ, और जो शूटर्स हैं उनको पीछे बैठा दिया था। मर्डर करने के बाद ये पांचों लोग एक साथ फरीदकोट से निकले हैं और झुंझुनू सालासर होते हुए झज्जर आए। झज्जर में जैसा इनको इंस्ट्रक्शन मिला गोल्डी ब्रार से तो वो जो शूटर है वो अलग हो गए और बाकी तीन लोग दिल्ली आए और दिल्ली से आगे यूपी के लिए जा रहे थे जब हमको इन्फॉर्मेशन मिली और हमने इनको इंटरसेप्ट किया। कुछ मिला भी सर, रिकवर किया और दिल्ली में कब तक थी सराय काले खां? दिल्ली ये बेसिकली आए थे सराय काले खां झज्जर से, इनको आगे उत्तर प्रदेश जाना था। हमारी इन्फॉर्मेशन ठीक चल रही थी इसलिए हमने जैसे ही सराय काले खां के पास पहुंचे वैसे ही हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली तो नितिन तिमान, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 9647 84374 9648। बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारिया थावां तो निराश थे मायूस होने वाली, एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा, इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माही रे टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण ते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अस्टाम पेपर ते लिख के सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी जानबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, सेनु मनाना, फोन 95603 92450 95603 92451।